और इस शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया धसान है, 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है, 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन, वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन, स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था अब सारी दुनिया उस पर PhD करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया कभी, निकाल दिया स्कूल ने, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता, स्कूल ने निकाल दिया और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=MC² का जो सिद्धांत दे दिया सारी दुनिया उसका गुणगान करती है। और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे पढ़ाई नहीं, मतलब मैं कहना चाहता हूँ 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान जो है ना डिग्रियों से नहीं तोला जाता, ज्ञान अलग चीज है।